अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। सूरजपुर दौरे पर मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि कार्यकर्ताओं के ऊपर है कि उनके मन की बात है, जिस बात को लेकर कार्यकर्ता काम करना चाहेंगे। चुनाव में पहले मैं अपने भविष्य के लिए कुछ निर्णय लूंगा। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री टीएस सिंहदेव का समर्थन किया और वहीं मंत्री टीएस सिंहदेव के बयान पर नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में एकल चलो की नीति चल रही है और सरकार में कोई भी टीम वर्क नहीं है। इससे पहले भी सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने सरकार के कामकाज की खुले रूप से आलोचना की थी। अभी तो कार्यकर्ताओं के ऊपर है, उनकी मन की बात है, किस बात को लेके वो काम करना चाहेंगे। आपकी तरफ से अब चुनाव के पहले आते तक मैं कुछ अपने भविष्य के लिए निर्णय लूंगा, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं। ने कहा फैसला लूंगा भविष्य के बारे में, चुनाव लड़ने के बारे में। आप जबरदस्ती घुमा रहे हैं तो कार्यकर्ताओं से सभी ये मेरे बगल में खड़े हैं, वो ये सबसे सीनियर हैं, मंत्री मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में। जब चुनाव लड़ना होता तो कार्यकर्ताओं से पहले पूछते हैं, तो उन्होंने बाबा साहब ने गलत तय कहा। मैं भी चुनाव लड़ूंगा तो पहले जाऊंगा कार्यकर्ताओं से पूछूंगा, लड़ना है कि नहीं लड़ना, भी सहयोग दोगे नहीं दोगे, ये तो बहुत स्वाभाविक बात है। सरगुजा क्षेत्र के सूरजपुर में छत्तीसगढ़ सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री टीएस सिंहदेव साहब ने कल व्यथित होकर के छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ में बयान देते हुए कहा है कि चुनाव के पहले मुझे अपने भविष्य को लेकर कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। यह इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ में एकला चलो की नीति चल रही है, सरकार में कोई टीम वर्क नहीं है। और इसके पहले भी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री ने सरकार के कामकाज की खुले रूप से आलोचना